ये चिकन नूडल्स देख रहे हैं आप, मुंह में पानी आ रहा है ना? मेरे तो आ रहा है दोस्तों। ये चिकन नूडल्स जितने आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, यकीन मानिए खाने में इससे भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन नूडल्स, चिकन चाउमीन या फिर चिकन हक्का नूडल्स, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और ये खाने में इतने टेस्टी बनेंगे दोस्तों कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो चिकन नूडल्स बनाने के लिए जो हमें सबसे पहला काम करना है वो करना है चिकन को मैरिनेट करना। और उसके लिए हमने दोस्तों 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको हमने ऐसे ही थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया है। और मैरिनेटिंग स्पाइसेस में हमने ऐड किया है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका, आधा चम्मच सोया सॉस, और ये देखिए दोस्तों ये छोटी चम्मच है और उसको भी मैंने 1/8 अप्रॉक्सीमेट लिया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको डालना है खाने का सोडा। खाने का सोडा ज्यादा मत डाल देना वरना आपके चिकन का टेस्ट बिगाड़ भी सकता है। और बस अब एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस चिकन को अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए एक साइड। और जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, नूडल्स को बॉयल करेंगे। और नूडल्स के लिए दोस्तों मैंने इस तरह का हक्का नूडल्स लिए हैं और ये 150 ग्राम्स का पैकेट है, 150 ग्राम नूडल्स आते हैं इसमें। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह के नूडल्स आपको मिलेंगे। कोशिश करें कि आप बारीक नूडल्स ही लें क्योंकि बारीक नूडल्स का जो टेस्ट होता है ना वो मोटे वाले नूडल्स से बहुत अच्छा होता है। और नूडल्स बॉयल करने के लिए हमने दोस्तों करीब 1.5 लीटर पानी लिया एक बड़े से बर्तन में। और उसमें ऐड कर दिया है 1.5 चम्मच नमक। पानी में एक बॉयल आने देंगे और जैसे ही पानी बॉयल करता है वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स। दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 150 ग्राम नूडल्स के लिए 1.5 लीटर पानी क्यों लिया है। दोस्तों 1.5 लीटर पानी इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादा पानी में जो नूडल्स के अंदर स्टार्च होता है वो अच्छे से निकल जाएगा। और बस इनको बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब आपके नूडल्स की हो जाए तो गैस को फौरन ही कर दीजिए बंद और इमीडिएटली नूडल्स के पानी को स्ट्रेन कर दीजिए इस तरह से। और इमीडिएटली इन नूडल्स को आपको ठंडे पानी में इस तरह से धो देना है ताकि नूडल्स का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और जितना भी स्टार्च है नूडल्स में वो निकल जाए। और अब दोस्तों आप एक बड़ी सी इस तरह की कोई ट्रे लीजिए और जो नूडल्स हैं वो ट्रे में ट्रांसफर करके इस तरह से हाथों से उसको फैला दीजिए। और करीब 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर तेल हम ऐड करेंगे। हाथों से उस तेल को अच्छे से नूडल्स पे अप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारे नूडल्स हैं वो आपस में चिपके नहीं। तो दोस्तों नूडल्स हमारे तैयार हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको हमें फ्राई करना है। और चिकन को फ्राई करने के लिए दोस्तों हमने एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। और जैसे ही मीडियम फ्लेम पे तेल गर्म होता है हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। और बस मीडियम फ्लेम पे ही चिकन को हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे बीच बीच में स्टिर करते हुए। इस तरह से आपको करीब 5 से 7 मिनट तक चिकन को फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए चिकन की तो उसको निकाल लीजिए और एक साइड में रख दीजिए। तो दोस्तों हमारे नूडल्स बॉयल होके तैयार हैं, चिकन भी हमारा फ्राई होके तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ और बनाते हैं चिकन नूडल्स। और चिकन नूडल्स के लिए जब दोस्तों वेजिटेबल्स की बात आती है तो ये आपकी अपनी च्वाइस है कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स उसमें डालना चाहते हैं। मैंने जो वेजिटेबल्स ली हैं उसमें मैंने ग्रीन कैप्सिकम लिया है और इस तरह से जूलियन उसको कट कर लिया है। येलो कैप्सिकम यानी पीली शिमला मिर्च लिया है, उसको भी हमने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। और गाजर यानी कैरेट
चार पांच हरी मिर्च ली है जिनको चॉप कर लिया है, करीब एक बाउल हमने कैबेज लिया है यानी पत्ता गोभी जिसको हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है जिसको स्लाइसेस में काट लिया है, एक चम्मच हमने लिया है चॉप्ड जिंजर यानी चॉप किया हुआ अदरक, और एक चम्मच ही हमने लिया है स्लाइस्ड गार्लिक यानी स्लाइसेस में कटी हुई लहसुन। अब नूडल्स बनाने के लिए दोस्तों हमने करीब 3 टेबलस्पून ऑयल हमने गर्म किया है एक कड़ाही में। जी हाँ दोस्तों, ऑयल आपको अच्छा खासा रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने ऑयल यहाँ पे कम कर दिया बहुत तो आपके जो नूडल्स हैं वो सूखे सूखे हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो 3 टेबलस्पून ऑयल आपको यहाँ पे रखना है, और जैसे ही तेल गर्म हो वैसे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं स्लाइस्ड अनियंस, चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड जिंजर। बस 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं सारी वेजिटेबल्स, लेकिन अभी हम इसमें कैबेज ऐड नहीं करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, सारा प्रोसेस आपको हाई फ्लेम पे ही करना है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज यानी पत्ता गोभी। कैबेज ऐड करके 2 मिनट के लिए हम इसको और स्टर फ्राई करेंगे, वो भी हाई फ्लेम पे। और 2 मिनट के बाद हम ऐड करेंगे सॉसेस। तो ये हमने ऐड किया है 2 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड चिकन, जो हमने फ्राई करके चिकन रखा हुआ था वो। और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, और 1/4 TSP यानी 1/2 से 1/2 चम्मच अजीनोमोटो। और बस दोस्तों अभी हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके करीब बस 1 मिनट के लिए इसको स्टिर फ्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो आपको करना है ना वो हाई फ्लेम पे ही करना है, कुकिंग को टाइम कम देना है लेकिन फ्लेम को हाई रखना है। और ये देखिए बस 1 मिनट की कुकिंग और आपके यम्मी चिकन नूडल्स हैं एकदम तैयार। बस इसी स्टेज पे आपको चिकन नूडल्स को कर लेना है डिश आउट और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।